हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सैटर्न बाय GHC का हेयर ग्रोथ ऑयल का रिव्यू। ये 200 ml का एक बॉटल है। इसका मैं फुल रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि मैंने इस ऑयल को इस्तेमाल किया है एंड देन ओनली आई एम शेयरिंग दिस रिव्यू विद यू ऑल। सो लेट्स मूव ऑन विद द वीडियो। गाइस, मॉनसून सीजन में हम लोग ज़्यादातर हेयर फॉल का प्रॉब्लम फेस करते हैं, बट आजकल तो ऑल ओवर द ईयर हम हेयर फॉल के इश्यूज फेस करते हैं। एंड सो मुझे लगा आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप सबके लिए, बिकॉज इट्स मॉनसून सीजन। ऑल्सो मैं भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल इश्यूज फेस कर रही थी, उसके बाद ही मैंने इसे इस्तेमाल करना स्टार्ट किया टू चेक डज इट एक्चुअली वर्क और नॉट। ये है हेयर ग्रोथ ऑयल। इससे आपके न्यू हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट होते हैं, बट एट द सेम टाइम इट हेल्प्स टू रिड्यूस योर हेयर फॉल ऑल्सो। इसके अंदर अनियन ऑयल है। नाउ वी ऑल नो दैट अनियन एक्सट्रैक्ट्स हमारे हेयर स्ट्रेंथ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। अनियन में सल्फर होता है जो कि हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में मदद करता है और हेयर फॉल को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। इसके अंदर अनियन ऑयल होने की वजह से ये न्यू हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट करेगा। इसके अंदर ब्रिंगराज ऑयल है, टी ट्री ऑयल है। नाउ ब्रिंगराज एक एक्सेलेंट इंग्रेडिएंट है हमारे हेयर हेल्थ के लिए, हमारे हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाने में वो मदद करता है। तो आपके जो हेयर फॉल होते हैं, जो रूट से होते हैं ना, वो होना बंद हो जाएगा क्योंकि ये आपके रूट को, हेयर फॉलिकल्स को काफ़ी स्ट्रेंथ ऐड करता है। टी ट्री ऑयल, वी ऑल नो टी ट्री के बेनिफिट्स। इसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है जो कि हमारे स्कैल्प में डैंड्रफ की इश्यूज को भी काफी रिड्यूस करने में मदद करता है। एट द सेम टाइम टी ट्री हमारे जो इची स्कैल्प प्रॉब्लम है ना, उसे भी रिड्यूस करता है, जो कि ज्यादातर हम लोग मॉनसून सीजन में फेस करते हैं। ब्राह्मी ऑयल है। ब्राह्मी अगेन हमारे हेयर में स्ट्रेंथ ऐड करता है और इसके अंदर जोजोबा ऑयल है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है बोथ हमारे स्कैल्प को और हमारे हेयर को। हेयर फॉलिकल्स में नरिशमेंट ऐड करता है, हेयर लेंथ में भी नरिशमेंट ऐड करता है, जिससे कि हेयर जो रफ एंड फ्रीजी ड्राई होना जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। ये 200 ml का एक बॉटल है जिसका प्राइस आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इट रिटेल्स फॉर 799 rupees। ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन को भी इंक्रीज करता है और हेयर फॉलिकल्स को काफ़ी नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं इसे हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है। ये इस तरीके का एक सिस्टम में आते हैं, जैसे यहाँ पर पुश करते ही ये बॉटल ओपन हो जाती है। फिर ऑयल को लीजिए अपने पाम पर और उसे थोड़ा सा अपने पाम्स के बीच इस तरह से वार्म अप कर लीजिए। वार्म अप करने से ना ऑयल के बेनिफिट्स आपको और भी ज्यादा मिलेंगे। और फिर अपने स्कैल्प पर फिंगर टिप्स से हल्के हाथों से मसाज कीजिए। ज्यादा रब मत कीजिए, हार्श मत होइए अपने स्किन पर, हल्के हाथों से मसाज कीजिए। लीव इट ऑन फॉर अराउंड 2 hours। आप चाहते हैं तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, बट मैं पर्सनली 2 hours तक इसे रखती हूँ एंड फिर शैम्पू योर हेयर। शैम्पू के लिए मैं कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मॉनसून सीजन में मैं एक डिफरेंट शैम्पू आजकल इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं उस शैम्पू को भी ट्राई एंड टेस्ट कर रही हूँ एंड उसका भी रिव्यू मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है, परचेजिंग लिंक, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है। मेक श्योर यू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल्सो मेरा जो कंक्लूजन है अबाउट दिस सैटर्न बाय GHC हेयर ग्रोथ ऑयल इज दैट डेफिनेटली अगर आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर अगर आपके स्कैल्प पर बॉल्ड पैचेस आ गए हैं, देन डू स्टार्ट यूजिंग दिस हेयर ग्रोथ ऑयल, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अंदर इतने सारे इन्ग्रीडियंट्स की गुडनेस है ना, जो कि एकदम नेचुरल है और ये आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ ऐड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एंड न्यू हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। मेरे तो हेयर फॉल काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गए हैं, तो डेफिनेटली आप चाहते हैं तो इसे ट्राई कर सकते हैं। दिस इज सूटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप्स। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।